हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है एसडी टेक्निक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा स्लीव बॉक्स की डाई कट, जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये है बॉक्स और ये है इसकी स्लीव। तो इस बॉक्स की डाई कट मैं आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स की डाई कट प्लस डिजाइन मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जो कि अब प्रिंट हो चुका है और आप देख सकते हैं प्रिंट होने के बाद बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के चलता हूँ और आपको इसकी डिजाइन और डाई कट भी दिखाता हूँ और आपको इसकी डाई कट बनाना सिखाता हूँ। और उसी तरह से आप किसी भी साइज का बॉक्स बना सकते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आप दूसरे साइज का भी बॉक्स बना सकते हैं। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि स्लीव बॉक्स की डाई कट कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया था, वही बॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये है इसकी डिजाइन प्लस डाई कट। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ जाता हूँ लेयर में और ये देखिए, ये है लेयर और इसकी जो डिजाइन का लेयर है उसको मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ और ये है इसकी डाई कट। ये है डिजाइन और ये है डाई कट और यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर जो इसका साइज है वो हम देख लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये है, तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और यहाँ पर आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में और ये आप देख सकते हैं इसकी साइज है 24.6 बाई 14.8 और इसकी जो हाइट है वो है, हाइट बोल सकते हैं या फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं, तो वो है 5 सेंटीमीटर भी। तो अभी हम अपना एक नया पेज ओपन कर लेते हैं कंट्रोल एन से और यहाँ से हम एक और ही ले लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेंटीमीटर में और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। और सबसे पहले हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और साइज उसका था 24.5 बाई 15 का ले लेते हैं और इस बॉक्स की जो डेप्थ या फिर हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर की। तो हम इसको दे देते हैं कलर रेड यहाँ से और एक कॉपी और करते हैं और इसे हम यहाँ से कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5। ओके, सबसे पहले हम अपना आर्टबोर्ड बड़ा कर लेते हैं। मैंने प्रेस किया शिफ्ट ओ और उसके बाद इस तरह से जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर लिया है बड़ा और अभी इसी को एक कॉपी और करेंगे, प्रेस करेंगे इंटर और यहाँ पर 5 और नीचे 0 और यहाँ से कर लेंगे कॉपी और सेम इसी तरह से इसको हम ऊपर कॉपी कर लेंगे और इसे हम यहाँ से दे देंगे 5 सेंटीमीटर और इसे भी एक और यहाँ से कॉपी ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एक कॉपी और ये दो कॉपी और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लैप है एक, तो ये है 1.8 सेंटीमीटर का। हम यहाँ पर एक लैप लगा लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ से इसको 1.8 और इसको हम थोड़ा थोड़ा अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और प्रेस किया और मैंने यहाँ पर इंटर प्रेस किया और यहाँ से मैंने 1 प्रेस किया और नीचे 0, उसके बाद ओके। इसी तरह से दूसरे साइड में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे
इंटर करेंगे, फिर उसके बाद माइनस वन और नीचे जीरो इस तरह से। और सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको ले लेंगे, कॉपी किया मैंने और इसको हम कर लेते हैं 1.8 और यहाँ से हम इसको और यहाँ से हम इसको करते हैं सिलेक्ट, इंटर प्रेस करते हैं, जीरो करते हैं और नीचे वन करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी सिलेक्ट, इंटर, जीरो, माइनस वन, ये देखिए तो ये हो गया। और इसके बाद हम इस पार्ट को करेंगे कॉपी और इसे भी हम कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये देखिए इस तरह से। और इसे हम यहां से थोड़ा सा करते हैं अंदर, यहां पर हम करते हैं डबल क्लिक और अभी हम यहां पर आ जाते हैं पिन टूल पर और लेंगे ऐड एंटर पॉइंट यहां से और इसे हम थोड़ा सा अंदर करेंगे और फ्रेंड्स इसे हम सिर्फ 2 मिलीमीटर अंदर करेंगे, तो इंटर प्रेस करेंगे -0.20, ये इस तरह से। अभी इसी को सेम कॉपी करेंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको हम ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं सेम टू सेम यहाँ पर बन चुका है। और इसके बाद अभी हमें क्या करना है, सबको करना है सिलेक्ट, उसके बाद करना है कॉपी अल्ट और शिफ्ट और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देना है, ये देखिए ये इस तरह से इस साइड में आप देख सकते हैं, इस साइड में सेम टू सेम हो गया है। और उसके बाद इस पार्ट को और इस पार्ट को करना है सिलेक्ट, उसके बाद अल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ से इसको हम कर देंगे फ्लिप, फ्लिप करने के बाद यहाँ से इसको मिला लेंगे और सेम इसी तरह से इस पार्ट को भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम नीचे ऐसे लेकर के आएंगे और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट करेंगे और यहाँ से मिला देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये कितना सिंपल और कितना इजी है, कितनी आसान तरीके से, कितनी जल्दी ये डाई कट बन करके तैयार हो गई है। बस अभी हमें क्या करना है, इसमें जो कटिंग वाली लाइन है और फोल्डिंग वाली लाइन है उन दोनों लाइन को हमें यहाँ से सेपरेट करना है और हमेशा कटिंग वाली लाइन का कलर और फोल्डिंग वाली लाइन का कलर अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि समझ में आ जाता है कि कहाँ से फोल्ड होना है और कहाँ से कटिंग होना है। तो ये इस तरह से ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम टू सेम ये डाई कट बन करके रेडी हो गई है। अभी हम दोनों लाइंस कर लेते हैं सेपरेट, तो अभी मैं लेता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जिसका शॉर्टकट है ए और यहाँ से मैं करता हूँ सिलेक्ट ये सारी लाइंस और करता हूँ कंट्रोल एक्स, उसके बाद कंट्रोल एफ करता हूँ और यहाँ पर डबल लाइंस है तो एक लाइन हम यहाँ से हटा लेते हैं, डिलीट कर देता हूँ। ये सारी लाइंस को मैंने यहाँ से कर दिया डिलीट, अभी मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, उसके बाद आ जाऊँगा यहाँ पर स्वाचेस में और यहाँ से इसको दे दूंगा ग्रीन कलर क्योंकि ये लाइन है फोल्ड वाली। इसी तरह से इन सारी लाइंस को मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कंट्रोल एक्स करूंगा, फिर कंट्रोल एफ करूंगा पेस्ट इन प्लेस और यहाँ पर भी डबल लाइन थी तो मैंने इसको एक एक लाइन यहाँ से हटा लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ सारी लाइंस। उसके बाद मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट पूरा और यहाँ से इसको दे देता हूँ ग्रीन कलर। इसी तरह से ये भी अभी बचा हुआ है तो इसको भी हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, डबल लाइन है एक लाइन यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी ऐसे ही कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, यहाँ पर ये है डबल लाइन तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। इसी तरह से इनको भी हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ
और ये लास्ट बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ डबल लाइन वन लाइन डिलीट, और अभी हम सबको करेंगे सिलेक्ट एक साथ, और उसके बाद हम यहाँ से दे देंगे ग्रीन कलर। तो इस तरह से ये डाई कट बन करके रेडी हो गई है, ये है हमारा बॉक्स। और इसके बाद अभी हमें इसी बॉक्स की स्लीव भी बनानी है, तो स्लीव कैसे बनती है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं ग्रुप, और यहाँ से इसको हम दे देते हैं क्रॉप मार्क, और क्रॉप मार्क के ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक, तो ये हो गया, बन करके तैयार हो गया। अभी हमें बनानी है स्लीव, तो इसके लिए हमें इस पार्ट को यहाँ से ले लेना है, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया है, और बाहर हम यहाँ पर आके कर देते हैं पेस्ट। एक हम यहाँ पे आर्टबोर्ड ले लेते हैं, और उसके बाद इसको कर देते हैं कंट्रोल जे तो ये ज्वाइंट हो गया। अभी हम इसको करते हैं रोटेट, और इसके बाद हमें इसकी जो विड्थ है उसको हमें 2 mm इंक्रीज करना होता है। अगर हम इसको इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमारी जो स्लीव है बॉक्स के अंदर नहीं जा पाएगी, तो इसीलिए 2 mm इंक्रीज करना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ से इसको 2 mm कर देते हैं इंक्रीज, यहाँ से हम आएंगे +0.2, ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद इस पार्ट को हम करेंगे कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम करेंगे रोटेट और कंट्रोल जे जे। और फ्रेंड्स इस पार्ट को भी हमें 2 mm इंक्रीज करना होता है कि आसानी से बॉक्स के अंदर स्लीव चली जाए, तो इसको भी हम +0.2, ये हो गया। अभी हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, और इसे हम दे देते हैं कलर रेड। और इसके बाद अभी हमें सेम इनको कॉपी करना है, अल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने इसको कर लिया है कॉपी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से इसको बनाना होता है। उसके बाद अभी हमें इसको चिपकाने के लिए ग्लू लैब लगाना होगा, जहाँ पर ग्लू लगाकर हम इसको आपस में कर देंगे पेस्ट। तो हमने इस पार्ट को कॉपी किया है, और इसे भी हम यहाँ से कर लेते हैं 1.8, और इसको भी हम 1 1 सेंटीमीटर अंदर कर देते हैं, इंटर 1 0 इंटर -1 0, तो ये हो गया। अभी हम सबको एक साथ करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद इसकी जो विड है उसको भी हम 2 mm कर लेंगे इंक्रीज, तो यहाँ से हम आएंगे +0.2। अभी हमें फोल्डिंग वाली लाइंस को करना होगा सेपरेट, तो हमने ले लिया है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहाँ से हम करते हैं सिलेक्ट इसको, कंट्रोल एक्स करते हैं कंट्रोल एफ करते हैं, यहाँ पर अगर डबल लाइन है तो एक लाइन हम यहाँ से कर लेते हैं डिलीट 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 और डिलीट। उसके बाद सबको करेंगे सेलेक्ट, और आएंगे कलर में, और यहाँ से दे देंगे ग्रीन कलर, तो ये इसको भी हम करेंगे ग्रुप, इस तरह से ये बन करके रेडी हो जाती है। तो अभी मैं इसको इस बॉक्स के ऊपर रख करके दिखा देता हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 1 1 mm दोनों तरफ से इंक्रीज मैंने इसीलिए किया है कि ये बॉक्स स्लीव के अंदर आसानी से चला जाए। अगर हम इसको इंक्रीज ना करेंगे या फिर 1 mm से ज़्यादा भी इंक्रीज हो जाएगा तो बहुत ढीला हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप किसी भी स्लीव की डाई कट बनाइए, तो जो आपका बॉक्स है बॉक्स से हमेशा आप 1 1 mm ज़्यादा रखिए, तो आपकी स्लीव बड़ी आसानी से बॉक्स के अंदर चली जाएगी। अगर आप बिल्कुल सेम साइज का बना देंगे तो वो स्लीव बॉक्स के अंदर बिल्कुल नहीं जा पाएगी, तो हमेशा 1 1 mm आप इंक्रीज करके रखिएगा जब भी आप किसी भी बॉक्स की स्लीव बनाइएगा। तो अभी हम कर लेते हैं कंट्रोल जेड, और इसको हम अपनी जगह पे रख देते हैं। उसके बाद इस पे भी हम यहाँ से क्रॉप मार्क लगा लेते हैं, और इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये बन करके तैयार हो गया है, ये हमारा बॉक्स है।
और ये बॉक्स के ऊपर आने वाली स्लीव है, ये अंदर का बॉक्स है, ये बाहर की स्लीव है। तो इस तरह से बॉक्स और स्लीव की डाईकट आप भी बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप किसी भी साइज का बॉक्स और स्लीव की डाईकट बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।